अभी हम बिहार शरीफ के जदयू कार्यालय में उपस्थित हैं। हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और जदयू के कार्यकारिणी सदस्य जनाब मुन्ना सिद्दीकी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी चुनावों की सरगर्मियाँ जोरों शोर से हैं और तमाम पार्टी अपनी दावेदारी दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी यहाँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के निर्वाचन आयोग की घोषणा का मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सभी वर्गों का विकास इंसाफ के साथ तरक्की उन्होंने हर शोबे में किया है। और मेरा सबसे बड़ा एजेंडा जो है कि बिहार में जो वर्तमान हमारी जो एनडीए की सरकार है, तो 15 सालों के दौरे हुकूमत में उन्होंने जिस प्रकार से तरक्की सभी शोबों में की है, तो दूसरी तरफ जो 15 वर्ष की जो पूर्व की सरकार थी, तो जिस तरीके से परिवारवाद वंशवाद के साथ बिहार में अपहरण के उद्योग, अपराधियों का बोलबाला और बिहारी कहलाना जो अपमान का विषय था, उसको पाटने का काम बिहार के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया। और जहां तक तैयारी का क्या सवाल आपने किया है, तो हमारी पार्टी का संगठन काफ़ी पहले से काफ़ी सक्रियता के साथ सभी बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष सचिव का मनोनयन हुआ है और इसका हम लोगों ने सम्मेलन भी किया है। और पूरी तरीके से एनडीए के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ तमाम कार्यकर्ता इस चुनाव में जाने के लिए पहले ही से तैयार हैं। जैसा कि अभी हम यहाँ पे जदयू के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिद्दीकी जी यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने जैसा कि बताया, तो हम इनसे जानना चाहेंगे, इससे पहले यहाँ से बिहार शरीफ विधानसभा से मुस्लिम कैंडिडेट समीम बेल्ची को उम्मीदवार बनाया गया था, उसके बावजूद भी कुछ बोर्ड से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जहाँ तक रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो अकलियतों के लिए काफ़ी काम किए हैं, माइनॉरिटी के लिए काफ़ी काम किए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिलेगा? देखिए, आपका जो प्रश्न है, हमारे एनडीए के लोग का सीट बंटवारा होगा, ये शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। हम लोग के जैसे साधारण कार्यकर्ता इस बात का उत्तर देना उचित नहीं है। हमारे इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए के लोग हैं, वो जो भी तय करेंगे हम लोग पूरी तरह से इस चुनाव में जाएंगे। और निश्चित तौर पर मैं एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बार जितने भी विरोधी हैं पूरी तरह से इतिहास में जाने का काम करेंगे, कहीं पर कोई लड़ाई नहीं है। 243 सीट पर हम लोग कम से कम 230 सीट पर हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, कहीं पर कोई लड़ाई नहीं, चूंकि विपक्ष के नाम की कोई चीज़ नहीं है। विपक्ष का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, इसी पर उन लोग की अभी तक सहमति नहीं बनी है। लेकिन हमारे तरफ जनाब नीतीश कुमार जी की क़यादत में जो चेहरा है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तमाम लोग के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी के पर आस्था व्यक्त करते हुए हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जनता को उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, आज देश आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ बिहार में कोई काम नहीं हुआ था। बिहार में आज हम लोग कभी सपना में हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग को 2 घंटे या 3 घंटे बिजली जो मैसर होती थी, आज हमको 23 से 24 घंटे बिजली मिल रही है। आप सड़कों का देखेंगे जाल, इसी नालंदा जिला के साथ पूरे बिहार में जो हमारे नेता ने संकल्प लिया है कि 5 घंटे में हम पटना किसी भी जिला से पहुंचने का काम करेंगे। हॉस्पिटल की क्या हालत थी, हमने हॉस्पिटल में सुधार करने का काम किया। इस प्रकार के साथ सभी लोगों का न्याय के साथ, सभी धर्मों का के लोगों का के साथ इंसाफ के साथ तरक्की की है। तो जनता पूरी तरह से गोलबंद है, बिहार की जनता, कि इस बार हम भारी बहुमत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और विपक्ष को इस बार पूरी तरह से इतिहास में ऐतिहासिक बनाने का काम करने का भी निर्णय यहाँ की जनता ले चुकी है। चोरी, डकैती, बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, हत्या, भ्रष्टाचार, हर खबर पे है मेरी नजर। हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। सच्चाई का मतलब सिर्फ फक टीवी न्यूज़।